नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों मैं हूं एकेश राजवीर, आपका अकेडमी और YouTube एजुकेटर। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक काफी बढ़िया पोयम। और दोस्तों इस पोयम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। वैसे लर्नर्स अगर बात कही जाए कि इस पोयम की, तो ये पोयम कोई कठिन पोयम नहीं है, रियली वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पोयम है। पोयम है लर्नर्स ट्रू ब्यूटी, और इसको लिखा किसने है? सो इसको लिखा है टॉमस कैरियो ने। लेट्स, वैसे टॉमस कैरियो को कई जगह जब हम पढ़ते हैं तो हम इन्हें एक मेटाफिजिकल पोएट भी कंसीडर करते हैं, मेटाफिजिकल। और लेट्स अगर एक और बात देखी जाए टॉमस कैरियो के बारे में, तो इन्हें हम कैवेलियर पोएट भी कंसीडर करते हैं, कैवेलियर पोएट्स भी कंसीडर करते हैं। सन्स ऑफ बेन्स, क्योंकि कैवेलियर पोएट्स को हम सन्स ऑफ बीन्स के नाम से भी जानते हैं। ट्रू ब्यूटी लर्नर्स अगर बात किया जाए ट्रू ब्यूटी की, सो ट्रू ब्यूटी टॉमस कैरियो की एक ऐसी पोएम है जहां पर टॉमस कैरियो ने टू स्टेंजास में ट्रू ब्यूटी को बताने की कोशिश की है कि ट्रू ब्यूटी क्या होती है। वैसे बाय द वे लर्नर्स, अगर आप इस पोएम के पहले स्टेंजा को देखेंगे तो पहले स्टेंजा में पोएट ने ट्रू ब्यूटी को एक ब्यूटी के साथ जो फिजिकल ब्यूटी है वन हैंड में रखा है, यानी कि पहले कंप्लीटली जो पहला इसका स्टेंजा है जो आपकी स्क्रीन में है इस समय, सो ऑन दिस स्टेंजा कंप्लीटली उन्होंने बात किया है फिजिकल ब्यूटी की। लेकिन जब लर्नर्स अगला स्टेंजा आप देखते हैं तो अगले स्टेंजा में जो पोएट है सो उसके आइडियाज थॉट चेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसी ब्यूटी बिल्कुल भी पसंद नहीं जो विदाउट हैविंग स्पिरिचुअल क्वालिटीज, जो मन की आंतरिक सुंदरता ना रखे, ऐसी सुंदरता किसी भी काम की नहीं। ये टॉमस कैरियो का मानना है। लर्नर्स वन बाय वन लाइंस को हम पढ़ते हैं, सेंट्रल आइडिया यही है लर्नर्स। और ये पोयम काफी बेहतर पोयम है, और वैसे यूपी बोर्ड में लर्नर्स ये प्रेस्क्राइब्ड है। सो चलिए शुरू कर देते हैं। So he that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. Now learn this. एक बार फिर से पढ़ता हूँ। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. Now see learners another line, as old time makes these decays, so his flames must waste away. So learners, कैसे कि Thomas Carew का कहना है कि देखिए, कोई भी इंसान जो प्रेम करता है आपकी शारीरिक सुंदरता से, और आपकी शारीरिक सुंदरता, जैसे आप बहुत सुंदर हैं, आपके होंठ बिल्कुल इतने गुलाबी हैं कि जैसे कोरल, और उन होठों की प्रशंसा करता है, उन लिप्स की बहुत ज्यादा प्रेज करता है, या फिर उन रोजी चीक्स, उन गुलाबी गालों की प्रशंसा करता है, इन चीक्स की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज दैट सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, या फिर स्टार लाइक आइज, यानी कि आपकी चमकती आंखों में कैसी चमक, लाइक स्टार। सो लर्नर्स यहां पर आप देख सकते हैं स्टार लाइक आइज, स्टार लाइक आइज। यहां पर लर्नर्स आप समझ सकते हैं कि सिमली, सिमली को बहुत ही ब्यूटीफुली यूज किया है किसने, पोएट ने। ही दैट लव्स अ रोजी चीक्स, रोजी चीक्स। सो लर्नर्स यहां पर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल मेटाफर। कोरल लिप, दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल मेटाफर, कोरल लिप। एंड देन लर्नर्स सी From or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fire. कि या फिर आपकी सुंदर, जैसे कहते हैं ना कि हिरनी सी आंखें, so on the same way learners की इतनी सुंदर आंखों में वो क्या देखता है, seek fuel to maintain his fires, यानी कि उन आंखों में एक वासना को लेकर के अपनी, अपने जो प्रेम की अग्नि है, प्रेम की अग्नि यानी कि वो कहीं ना कहीं फिजिकल रिस्पॉन्स चाहता है, फिजिकल
अगर आप कहें सो यस बॉडली टच और यू कैन से कि एक बॉडली रिलेशनशिप चाहता है. सो वो आपकी आंखों में क्या दिखेगा, वो अपने प्यार की अग्नि, प्रेम की अग्नि, जो प्रेम सही नहीं है, उस अग्नि को शांत करने के लिए आप में ईंधन की तलाश करेगा. एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिकेज, बट लर्नर्स क्या शारीरिक सुंदरता बहुत दिनों तक चल सकती है? सो आप कहेंगे कि नहीं. एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिकेज, जैसे ही ओल्ड टाइम आता है, सो ये सारी चीजें विद द पासिंग ऑफ टाइम डिके हो जाती है. आपकी शारीरिक ब्यूटी ओल्ड एज के साथ खत्म होने लगती है. तो फिर उस प्रेमी का क्या, वो प्रेमी जो कल तक आपके होठों की प्रशंसा कर रहा था, आपके गुलाबी गालों की प्रशंसा कर रहा था, आपकी आंखों की प्रशंसा कर रहा था, और आपकी आंखें स्टार की जैसे लगती थी, जैसे तारों की जैसे चमक रही हो, जब आप बूढ़े हो गए, आपकी ओल्ड एज आ गई, सो देन व्हाट? सो एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, क्योंकि ब्यूटी जो आपकी बॉडली ब्यूटी है, शारीरिक सुंदरता है, विद द पासिंग ऑफ टाइम डिके हो जाएगी. सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे. सो जैसे ही आपके आपकी बॉडी, क्योंकि उसे आपकी आत्मा से कभी प्यार नहीं था, इसलिए जैसे ही आप ओल्ड एज में पहुंचेंगे, जो उसके प्यार की अग्नि है, क्योंकि उसके प्यार की अग्नि आपकी शारीरिक सुंदरता पर निर्भर थी, तो अब वो जो प्यार की आग है, या आप कह सके जो फायर थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, धीमी पड़ने लगेगी, बुझने लगेगी. लड़े सब दूसरा जो स्टेंजा है इस पोयम का, वो काफी इंपॉर्टेंट है. बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइस, लवली चीक्स और लिप्स और आईज. नाउ सी लर्नर्स की इस जो स्टेंजा में है, पोएट यानी कि थॉमस कैरियू बहुत ही ब्यूटीफुली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड की अगर बात किया जाए, उस दृढ़ माइंड की, उस स्टेबल माइंड की, कि जो बहुत ही कामनेस के साथ आपकी बॉडली यानी कि आपकी बॉडी से नहीं, जेंटल थॉट्स, सामान्य विचार, बहुत ही जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, शांत इच्छाएं, लस्ट नहीं, हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, या फिर दोनों के बीच में बराबर प्यार हो, तब किंडल नेवर डाइंग फायर्स. सो ऐसा प्रेम, ऐसा जो प्रेम है, वो ऐसी आग को जलाता है, ऐसा प्रेम ऑलवेज आपका, जिसे कहे, जलता रहता है. और जलने का मतलब यहां पर ये है कि वो जो प्रेम की अग्नि है, वो कभी बुझने वाली नहीं है और तृप्त होने वाली नहीं है, जिसे आप कहेंगे खत्म होने वाली नहीं है, विद द पासिंग ऑफ टाइम. बट ऐसा प्रेम जो सिर्फ आपकी बॉडी से इंटर्ड था, जब तक आप सुंदर हैं प्रेम चलेगा, आप सुंदर नहीं रहे प्रेम खत्म हो जाएगा. सो ऑन द सेम वे लर्नर्स, हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर्स. अगर ऐसा प्रेम है कि जहां पर प्रेमी और प्रेमिका में सामान्य प्रेम है, या फिर आप एक दृढ़ माइंड के साथ, सुदृढ़ माइंड के साथ, अच्छे विचारों के साथ, आप एक दूसरे के साथ प्रेम में है, सो ऐसा प्रेम कभी खत्म नहीं होता. और लर्नर्स, लास्ट की लाइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ब्यूटीफुल है. वेयर दीज आर नॉट, जहां पर आपके माइंड की स्टेबिलिटी ना हो, जहां पर आपके विचार जेंटल ना हो, परिपक्व ना हो, समझदार ना हो, जहां पर आपकी डिजायर लाइक सेक्सुअल डिजायर एंड ऑल शांत ना हो, लिमिटेड ना हो, हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, जहां पर दोनों तरफ से प्रेमी और प्रेमिका, दोनों साइड से, प्रेमी के साइड से प्रेमिका के लिए और प्रेमिका के साइड से प्रेमी के लिए बराबर प्यार ना हो, वहां पर थॉमस कैरियू ने कहा, वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये सारी चीजें ना हो, आई डिस्पाइज, आई हेट,
Despise means hate. I hate that love. Or I despise lovely cheeks or lips or eyes and even main us pyar se. Or aisi jahan par sirf body ki sundarta na ho, man mastisk, jahan par sirf body ki sundarta ho, man mastisk ki na ho. So he said, where these are not, jahan par ye na ho, I despise lovely cheeks or lips or eyes. तो मैं ऐसे प्रेम से घृणा करता हूं, यानी कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं. So learners, यहां पर जो poet का एक main idea है, so वो ये है कि beauty with hurt, pure thoughts, वो तो प्यार किया जा सकता है उसको, लेकिन सिर्फ अगर आप bodily love के लिए, सिर्फ बॉडी का अट्रैक्शन है अगर आप, तो वो प्यार प्यार नहीं है. सो दिस इज व्हाट लर्नर्स थॉमस कैरी ने इस पोयम के थ्रू रिप्रेजेंट किया. लर्नर्स अगर आप देखें सो इसमें थोड़ा सा राइमिंग स्कीम भी आप फोकस कर सकते हैं. सो चीक एंड सीक. सो लर्नर्स ए एंड ए, एडमायर्स एंड देन फायर, सो यस बी एंड बी, डिकेज एंड अवे. सो लर्नर्स यस आप देख सकते हैं fires, seek, cheeks, so learners यहाँ पर decays and waves different है, so yes you can say CC, A B CC, this is the rhyming scheme, and then see mind and blind, so learners आप देख सकते हैं कि ये अब different है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई word नहीं है, so yes आप इसे कह सकते हैं D and then इसे D, and learners desire, so यहाँ पर आप देखें admires और fires, so yes आप कह सकते हैं कि ये जो है कैसी राइमिंग स्कीम है बी और बी, एंड डिस्पाइज एंड आई, सो लर्नर्स यहां पर आप देखें सो बिल्कुल भी यहां पर ऐसी कोई मैचिंग नहीं है, सो आप इसे कह सकते हैं ई एंड ई. सो लर्नर्स दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम जहां पर पोएट ने स्पिरिचुअल ब्यूटी के कंपैरिजन में जो फिजिकल ब्यूटी है उसे बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया है थॉमस कैरी ने. सो लर्नर्स बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, और अगली क्लासेस में मैं फिर से आपसे मिलूंगा. तब तक के लिए नमस्कार, और आप इंजॉय कीजिए तब तक लर्नर्स, और जल्दी ही आपसे मेरी मुलाकात होगी एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ. और लर्नर्स मैं लेकर के आ रहा हूँ बेन जॉनसन पर एक लेक्चर, बेन जॉनसन क्रैश कोर्स. थैंक यू सो मच लर्नर्स, नमस्कार.